के प्रदेश को हमने चार भागों में बांट रखा है और ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल की ये बैठक है, कल मध्यांचल की बैठक है, परसों पश्चिमांचल की है, नरसों बुंदेलखंड की है। अलग अलग इलाकों की हम अलग अलग बैठक करते हैं और अपने चुनाव की 2024 की तैयारी के लिए जो संगठन का काम नेताओं को दिया गया है, कितना पूरा हुआ कितना अधूरा है, उनसे लिखित लेते हैं, उसके बाद उनको लिखित निर्देश देते हैं। क्या रहा हारे का? देखिए, भारतीय समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, आप लोगों ने भी देखा, हमारा जो कर्म था कर्तव्य था हम लोगों ने किया और घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो कमी रह गई है उसको अध्ययन करके, उसको दूर करके आगे आने वाले दिनों में उस कमी को दूर किया जाएगा। कोई हमला करने वाला है आप पे? क्या कोई धमकी मिली आपको? आप फेसबुक पर खोलिए और पढ़ते जाइए, आपको लगेगा कि इस समय भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत, पिछड़ों को हक दिलाने की जो लड़ाई है, एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने का काम करती है, दलितों का हक मारने का काम करती है, और भारतीय समाज पार्टी पिछड़ों को हक दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता उनके समर्थकों को बुरा लग रहा है, वो लोग तरह तरह के अनर्गल बयान। नेताजी शिवपाल यादव ने कहा है कि पत्रकार राठौर और संजय जिंदा जो है वो समाजवादी के स्टार प्रचारक के रूप में आए, उनके वजह से हमको ज्यादा वोट मिला। शिवपाल यादव जी ने ही कहा था कि 2014, 2017, 2019, 2022 में जो हश्र हुआ है समाजवादी पार्टी का, इसके बाद फिर अब कभी भी वो सत्ता की तरफ नहीं आ सकते हैं, ऐसा ट्वीट शिवपाल जी ने किया है। राजन निषाद और चौहान समीकरण को ध्वस्त हो गया, वो उनके दिमाग में होगा लेकिन हम लोगों के दिमाग में सही है। आपके कार्यक्रम को अपना आगे बताया कि आपके कार्यक्रम में देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।